मेरा सवाल है, एज एन एक्टर क्या होता है ना, आप लोग अपने स्कोप्स को ओपन रखते हो, ठीक है, आपको जैसे भी रोल्स मिले, जो भी रोल मिले, आप उसके साथ जस्टिस करने का पूरा पूरी कोशिश करते हो। अब 4 साल से आप वही कर रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि अब कुछ बदलना है, कुछ अलग करना है, खुद को एक्सप्लोर करना है, कुछ ऐसा प्लान? बिल्कुल बिल्कुल, झूठ नहीं बोलूंगा, हर दिन ये थॉट आता है कि अब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कुंडली भाग्य एक बहुत बड़ा शो है, बागड़े टेलीफिल्म्स नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस है, जो भी मुझे दिया गया है, जो मेरे पास है, उसके लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करता हूँ टू द ऑलमाइटी, टू द फैंस, व्यूअर्स, जो इतना प्यार दिए इतने सालों से, वरना आजकल शोज इतने लंबे चलते नहीं है। तो करेक्ट, ये चीज हमें दी गई है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बट एट द सेम टाइम, एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट ना एक जगह जब प्लांट हो जाता है ना, तो वो ब्लूम करता है, लेकिन वो एक हद तक ब्लूम करता है, उसके बाद उसको कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को पुश करना चाहिए, ताकि एक अलग एनवायरनमेंट, अलग सिटी, मतलब एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर करूं, दूसरे प्रोजेक्ट्स करूं, दूसरे मीडियम में ट्राई करूं। मुझे बिल्कुल भी गम नहीं होगा अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं करता, अगर मैं फेल होता हूँ। मुझे गम तब होगा, मुझे बुरा तब लगेगा जब मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं दूसरे मीडियम में कोशिश करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ तक ले जा सकता हूँ, कितना पुश कर सकता हूँ, मेरी लिमिटेशन क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली ये ख्याल रोज आता है, एंड होपफुली मैं देख रहा हूँ कि इफ आई कैन टेक अप अ रियलिटी शो, अ वेब शो, अ फिल्म, दूसरा कोई भी मीडियम जहाँ पे मैं अपने आप को सरप्राइज कर दूँ, आई वांट टू सरप्राइज माय सेल्फ। तो ये थॉट डेफिनेटली आता है कि और कुछ भी करना चाहिए साथ में, एंड मैं कर रहा हूँ कोशिश। अगर मुझे कुछ ऐसा कोई ऐसी ऑफर आ गई तो मैं डेफिनेटली ले लूंगा उसे, आई विल एक्सेप्ट द ऑफर। फर्ज कीजिए, आ गई ऑफर, खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस 16? खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस क्यों नहीं? बिग बॉस के लिए अभी थोड़ा सा और वक्त लेना चाहता हूं मैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपकी निजी जिंदगी की तरफ जाना चाहता हूँ। अब आपकी जिंदगी थोड़ी बहुत बदल गई होगी, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी बदल गई होगी, थोड़ी बहुत बदल गई होगी, लेकिन उस थोड़ी बहुत बदलाव के जिंदगी में, जो पहले आपके डिसीजंस हुआ करते थे आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके रोल को लेकर, या आपके रोल को एनालाइज करने को लेकर, कि अरे यहाँ पे ये मुझे ऐसे नहीं, ऐसे परफॉर्म करना ज्यादा बेटर हो जाता जरूर, क्या उसमें भी आपकी पार्टनर बराबर का हिस्सा लेती हैं, और क्या उनके डिसीजंस आपके लिए मैटर ज्यादा करते हैं? एब्सोल्युटली पूनम, मेरी ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही है। वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। जैसे ही मैं थोड़ा सा वेट गेन करता हूँ, अभी तो नहीं, मैं जब भी वेट गेन करता हूँ या कोई सीन वो देख के उसको लगता है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली मुझे बताती है। अगर मुझे कोई और प्रोजेक्ट का ऑफर भी आता है तो मैं डिस्कस करता हूँ। So, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि मेरी जो पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, वो भी एक एक्टर है। हाँ, एंड जरूरी नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए हम गलतियां करेंगे। तो करेक्ट, एक सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी होता है कभी कभी। तो मैं हर चीज अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता हूँ, एंड जहां जहां उसे लगता है कि मैं इनकरेक्ट हूँ या मेरा डिसीजन गलत होने वाला है, तो वो मुझे करेक्ट करती है एंड मुझे सजेशन भी देती है। एंड लाइकवाइज उसके करियर के लिए मैं भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा हूँ, मैं भी अच्छा, बताता हूँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो एक दूसरे के लिए हम बहुत ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। ग्रेट।